तो यार कैसा लग रहा है अब क्लास 11th में आके? आप ये वीडियो अपने बोर्ड्स के रिजल्ट के आने के बाद में देख रहे होंगे। होपफुली आपने अपने क्लास 10th भी बहुत अच्छा फोड़ा होगा, बहुत ही नंबर आपने स्कोर किए होंगे, बहुत इन द सेंस आप अपने जितने चाह रहे थे उससे ज्यादा स्कोर किए होंगे और कई बच्चों ने कम भी स्कोर किए होंगे। बट हाँ, आपने बोर्ड्स एग्जाम को क्रैक करके क्लास 11th में एडमिशन ले लिया होगा, आपने अपनी स्ट्रीम भी चूज कर ली होगी, लेकिन आपको अभी से ही पाथ का नहीं पता। वो कहते हैं ना, जब तक आपको कोई रास्ता ना दिखाई भी हमें इस रास्ते पे चलना है, तब तक आपको ये नहीं पता चलता कि हमें इस कौन से रास्ते पे चलना है या हमें क्या करना है, कैसे करना है। सो जनरली क्या होता है कि जब क्लास 10th के बोर्ड्स का एग्जाम का जो बर्डन है वो अपने सिर से हट जाता है, बोर्ड्स एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जो खुशी होती है जब आपकी हाइप बढ़ने लग जाती है, इस बच्चे ने इस बंदे ने इतने स्कोर किए हैं, तो आप पे एक अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप अपनी क्लास 11th बर्बाद कर देते हो। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस बर्बादी को कैसे रोके और हम एक अनबर्बाद इंसान बने। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर भारत भैया फ्रॉम पढ़ाकू.com एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th बर्बादी से अनबर्बादी की ओर एक कदम। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से सुन रहे हो और अगर आप ये वीडियो कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आपको इस वीडियो का रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा और वो रिजल्ट आपको इम्प्लाई करोगे तभी मिलेगा। सो इस वीडियो को आप कॉपी पेन लेके बैठिए, राइट डाउन कीजिए जो जो मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ। आपको भैया हम आप पे क्यों ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करने के भी बहुत रीजन होते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले कॉपी पेन लीजिए, बिल्कुल कंसेंट्रेट फोकस्ड होके देखिए और इस वीडियो को सुनने के लिए आप सारे डिस्ट्रेक्शन को एक बार अवॉइड कर दीजिए, केवल इस वीडियो पे फोकस्ड होके ध्यान सुनिए। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि क्लास 11 को कैसे करना है ताकि आपके क्लास 11 में आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। आपको हर कोई कहेगा कि क्लास 11 आसान है, आसान है। नहीं यार, कड़वा सच ये है क्लास 11 बहुत मुश्किल है, बहुत टिपिकल। आपके लिए बिल्कुल एक नया सिलेबस आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो आप क्लास 10th में क्लास 9th में पूरी बुक में एक एक जो चैप्टर करते थे वो एक एक टॉपिक बनेगा उसका, उस चैप्टर जो आप यूनिट करोगे 11th क्लास में उसका एक एक टॉपिक बनेगा उतना साइज का। तो आपके बहुत बहुत लेंथी आपके यूनिट्स आने वाले हैं, उनके लेंथी टॉपिक्स आने वाले हैं। सो इन चीज़ों को हम डील करने की जानेंगे कि हम इनको कैसे डील कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो को अगर आप साइंस स्ट्रीम चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो और आर्ट स्ट्रीम वाले ही बच्चे देखिए, इसके अलावा कोई और बच्चा कोई और दूसरी स्ट्रीम का नहीं देख रहा है तो इस वीडियो को अभी भी स्किप कर सकता है। तो सबसे पहले यार, आप क्लास 11th में हो चुके हो, सो क्लास 11th में हो गए हो तो आप अब कोई बच्चे नहीं रहे यार। अब आप में इतनी समझ बन चुकी है कि आप अपना निर्णय खुद ले सकते हो। आपने क्लास 10th में काफी अच्छा स्कोर किया होगा, मे बी कई बच्चों के 95 प्लस भी आए होंगे, कईयों के 90 प्लस आए होंगे और कईयों ने तो 80 प्लस स्कोर किया होगा और कई 60 प्लस तो स्कोर किया ही होगा। अब हम ये जानेंगे कि ये जो 60 प्लस वाला है वो क्लास 11th पे इस पायदान पे कैसे पहुंचे, इसका हम एक राइट पाथवे जानेंगे और जो ये 80 और 90 वाला है ये अपना बिल्कुल सेम मेंटेन्ड कैसे रखे, यानी कि वो इससे नीचे ना आए, इससे ऊपर जाए बट इससे नीचे ना आए, तो इस चीज को मेंटेन कैसे करें। सो वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। सो देखिए यार, जो भी बच्चा अब 60 प्लस स्कोर किया उसने 10th में, वो भी पास आउट है, 80 वाला भी पास आउट है, 90 वाला भी पास आउट है, 95 वाला भी पास आउट है। बट हाँ, एक डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप जो 90 और 80 ये जो तीनों रेंज वाले हैं इनकी हाइप बन जाती है पूरे स्कूल में या कॉलेज में, ये हाइप बन जाती है कि जो भी बच्चा इतने स्कोर करता है भाई बहुत बहुत पढ़ने वाला होगा या ऐसे कुछ। और ऐसा होता है यार, रियल में होता है, रियलिटी में ऐसा ही होता है। मैं अपना एक किस्सा शेयर करता हूँ, क्लास 10th में यार मेरे 92.38% मेरे मार्क्स आए थे। सो क्या हुआ कि एक हाइप बन गई थी कॉलेज में, जब आप स्कूल में जब आप इतने नंबर स्कोर करते हो, वो भी फर्स्ट टाइम यार आपका बोर्ड देने बैठे हो आप और आप इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो तो फिर आपकी एक हाइप बन जाती है और उस हाइप के चक्कर में आप अपना लेवल बिल्कुल डाउन ले आते हो। जो गलती मैंने की वो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें। क्लास 11th में मेरे ऐसे हालात हो गए कि टीचर्स ऐसे बोलने लगे कि भारत अब क्या हो गया तेरे को, तू अब ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या दिक्कत है, कुछ फैमिली इशू या कुछ हो रहा है। बट था ही नहीं कुछ,
वही बात है, क्लास इलेवेंथ में मौज मस्तियां या कुछ और बहुत चक्कर होते हैं, तो उनमें फंस गए। बट इस चीज को मेंटेन करना जरूरी होता है। हालांकि मैंने लास्ट के 2-3 महीनों में इनको मेंटेन कर लिया और मेरे जो 95 के आसपास आने चाहिए थे बट 90 तक मैंने आराम से स्कोर कर लिए और 12th भी स्कोर इम्प्रूव किया और 95 स्कोर किए। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि आप इस चीज़ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा ये इशू होता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यार आपको क्या करना है, पहले आप अपने क्लास 11 का जो भी सिलेबस है, चाहे आप CBSE से हो या कोई स्टेट बोर्ड से हो, आप अपना क्लास 11 का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप अपनी क्लास 11 का सिलेबस डाउनलोड करोगे उसका PDF प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी आप स्टडी टेबल पे बैठे हो उसके आगे इसका प्रिंट लगाना है यार, प्रिंट लगा लीजिए। चाहे आप 11 का सिलेबस और इसके साथ साथ जो भी आप JEE नीट या कोई और एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका भी आप सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और उसको अपनी डेस्क के आगे लगा लेना है। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत बड़ी हाइप ये है अभी फिलहाल कि जो बच्चा JEE नीट की प्रिपरेशन करता है उनमें ये एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि अगर हम JEE नीट की प्रिपरेशन करें तो क्लास 11 तो अपने आप हो जाएगी। नहीं यार, बिल्कुल टोटली नहीं होती। क्लास 11 में आपको पेजेस भरने हैं, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा लिखना पड़ेगा, हो सकता है न्यूमेरिकल पोर्शन आए बट इतना ना आए। लेकिन JEE और नीट जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आने चाहिए। तो सिलेबस इज टोटली डिफरेंट, आपको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको केवल मल्टीपल चॉइस में चूज करना है, NET टाइप या MSQ टाइप आपको क्वेश्चन सोल्व करने। सो ये एक बहुत बड़ी हाइप है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि JEE और नीट का जो एग्जाम की प्रिपरेशन करा है वो बंदा 11th में भी काफी अच्छे स्कोर कर सकता है। वो बात अलग है अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है जिसने मेंटेन करके स्टार्टिंग में सारी चीजें, जो कंसेप्ट के साथ साथ अपनी सारी चीजें लेके चल रहे हैं JEE और नीट के एग्जाम में, वो आराम से स्कोर कर सकते हैं 11th में। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ वो मेंटेन नहीं करा तो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। सो यार, ये सारी बातें होगी आपकी क्लास 11th का जो JEE और नीट का जो एग्जाम देने जाओगे आप, अगर इन फ्यूचर अगर आपका कोई ऐसा प्लान है और जो क्लास 11th के जो एग्जाम होते हैं आपके स्कूल ले या बोर्ड ले, उनमें जो मेजर डिफरेंस था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सो ऐसी कोई हाइप आपको नहीं अपने दिमाग में रखनी कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जो करना है एक बार मन लगा के कीजिए बस। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आप क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो क्लास 11th में अगर आप, क्योंकि ये नया नया आपके लिए सेशन है तो इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप इन चीज को फॉलो करोगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। शायद आप में से कई बच्चों ने 10th में भी बनाए होंगे नोट्स विद क्लास, ऐसा कुछ तो आपको होता है नहीं, सुंदर सजावट करनी है या कुछ और करना है, बट हाँ जो आप टीचर करवा रहे हैं उसके साथ साथ आप तुरंत नोट्स बना लीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, अगर आप और मेहनत करना चाहते हो नोट्स पे, नोट्स सुंदर बनाना चाहते हो, तो एक बार रफ में बना लीजिए घर आके उनको, फेयर में बढ़िया अच्छी तरह से डिजाइन करके बना लीजिए। सो आपको नोट्स बनाने क्लास के साथ साथ, वो नोट्स आप बुक में से भी फॉलो करोगे, प्लस जो आपका टीचर करवाएगा वो भी फॉलो करोगे, प्लस इसके साथ साथ जो आपके एग्जाम के जो PYQs आ रहे हैं उस लेसन के, उनको भी आप हाईलाइट करते लेके चलोगे। उसके बाद में आपको अपनी क्लास के दौरान जो भी आपके डाउट्स आते हैं यार, वो ध्यान रखना आपको पूरी क्लास के अंदर पूछना है, चाहे वो बिल्कुल एकदम घटिया डाउट हो। घटिया कोई डाउट नहीं होता यार, लिटरली कोई घटिया डाउट नहीं है। जो भी डाउट आए मन में, कुछ भी आए, चाहे आपको कितना भी डर लगे भी, ये मेरे पे हंसेगी पूरी क्लास, ऐसा होगा वैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना डाउट पूछ लीजिए एक बार। डाउट पूछने से आपके मन को क्लैरिटी मिलेगी, पूरी क्लास में पूछोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अब ये मेरा टॉपिक पूरा स्ट्रॉन्ग है। सो इस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए वो डाउट आप अपनी क्लास में पूछिएगा। इसके साथ साथ अब आपको करना है, इसके बाद में जो आपका है सबसे इम्पोर्टेंट वो है रिविजन। जितनी आप रिविजन करोगे उतनी ही आपकी इफेक्टिव स्टडी होगी। अब रिवीजन पहले टाइम हो सकता है आपको 2 घंटे लगे उस रिवीजन को, मान लीजिए 5 घंटे भी लगे आपको, मान लीजिए एक बार टीचर ने क्लास में करवा दिया, आप घर आके उसको प्रिपेयर करने बैठे, आपको 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 2 घंटे लगे,
बट जैसे आप उसको सेकेंड टाइम करोगे तो आपको वो उसका हाफ टाइम लगेगा, एक घंटा भी लग सकता है, दो घंटे भी लग सकते हैं, पांच के दो घंटे मान लीजिएगा। जब तीसरी बार करने बैठोगे तो वो आपको 30 मिनट में भी हो जाएगा आपका। सो आपकी जो जितना आप रिवीजन करोगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, उतना ही वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा। सो आपको रिवीजन पे भी फोकस करना है, रिवीजन पे जितना फोकस करोगे उतनी ही आपकी इफेक्टिव स्टडी होगी, उतना ही आपका रिजल्ट आपको आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन, या अब डिस्ट्रैक्शन यार बहुत बड़ी चीज है, मैं ऐसे नहीं कह रहा डिस्ट्रैक्शन किसी को हो सकती या नहीं हो सकती। जनरली हर एक जो भी ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाता है, अट्रैक्टेड होने के लिए उसको एक कंसंट्रेटेड होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट डिस्ट्रैक्ट होने के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। सो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए बहुत से मेथड हैं, बट हाँ मैं ऐसे नहीं कहूँगा अभी आप इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, सब कुछ कीजिए, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए कीजिए। मैं भी करता हूँ लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसे नहीं अभी सारे दिन ही इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम डाल लीजिए, इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ अगर इतनी देर करूँगा तो इतनी देर पढ़ना भी है मेरे को। मान लीजिएगा अगर आप चार घंटे पढ़ रहे हो और चार घंटे पे आपने मान लीजिएगा एक घंटा फोन चला लिया, एक घंटे आपने कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर ली, इन द सेंस आप खेलने चले गए, दोस्तों के साथ बातें कर ली आपने, या आपने इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर ली, आपने कुछ और फिजिकल एक्टिविटी कर ली, सो चार घंटे पे एक घंटा कोई ज़्यादा नहीं है, सही बता रहा हूँ। कोई ऐसे कहेगा चार घंटे पढ़ रहे हो तो आप 30 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए, नहीं, एक घंटा आप अपना टाइम लगा सकते हैं अगर चार घंटे आप पढ़ रहे हो तो। ध्यान रखना अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आपके पास, 16 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके पास 4 घंटे, ऐसे समझिए चलिए, प्रत्येक 4 घंटे के लिए आपके पास 1 घंटा। अगर आप 4 घंटे पढ़ोगे तो आपके पास 1 घंटा मिलेगा फोन चलाने के लिए, ऐसे करके चलिए। और जनरली जब छुट्टी का दिन होता है तो आपके पास सारा दिन ही होता है, उसमें अगर आप 7 घंटे पढ़ा जाता है मैक्सिमम, मैं ऐसे नहीं कह रहा 15 घंटे 20 घंटे 10 घंटे, 7 घंटे बहुत होते हैं, 7 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 7 घंटे पे आप 3 घंटे फोन चला लीजिएगा, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है, तब कर भी कह सकते हैं। जनरली बात करें यार वो कोई बात नहीं है, रटी रटाई बातें, फैक्ट्स यही कह रहे हैं कि अगर आप 7 घंटे पढ़ोगे तो 3 घंटे फोन चलाओगे, यार बनी बनाई बात ये। हाँ रेगुलर डे पे 4 घंटे पढ़ोगे तो ही 1 घंटे फोन चलाने, बट हॉलीडे वाले दिन 7 घंटे, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं भी नोट्स बना रहे वो आपकी स्टडी है, जिसमें आपने पढ़ा है, जिसमें आपने विसाई की है वो, अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे फोन चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सेल्फ स्टडी, वो इफेक्टिव स्टडी है आपकी। इफेक्टिव स्टडी मेक रिजल्ट, मेक हिस्ट्रीज, सो हिस्ट्री बनाने के लिए आप 3 घंटे फोन चला सकते हो, सो दैट्स इट। उसके बाद में अब आपको मैं थोड़ी सी कोचिंग की जो एक हाइप बनी है कि कोचिंग हम कहाँ से करें, कैसे करें और कोचिंग का क्या सौदा रहने वाला है, क्या फंडा है कोचिंग का, वो एक बार जान लेते हैं। अभी फिलहाल यार जो हमारी एडटेक इंडस्ट्री है उसमें कोचिंग ने बहुत बड़ा रोल दिया है, कोचिंग अब आपकी ऑनलाइन भी आ चुकी है और ऑफलाइन तो आपकी कोचिंग बहुत पुरानी भी है, और कहीं कहीं पे कोई बच्चा स्कूल के साथ स्कूल भी जा रहा है और कई बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, जो कि अपने जो लोकल एरिया में कोचिंग होती है, वो लोकल एरिया कोटा सीकर को छोड़ के जो भी लोकल एरियाज होंगे उनमें जो कोचिंग होती है उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। अब ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, स्कूल है और कोचिंग है, अब जो प्योर कोचिंग में होगा ना, जो यहाँ पे इस ऑफलाइन कोचिंग जो कि कोटा और सीकर जैसे है, मैं कोटा और सीकर ही ले रहा हूँ, ओके, वो तो यार स्कूल से बिल्कुल एकदम कट चुका है, अब उसका स्कूल में केवल एडमिशन चल रहा है नाम का, वो डमी स्कूल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कोटा सीकर में जा रहे हैं, वहां पे अपनी कोचिंग परस्यू कर रहे हैं, केवल फोकस्ड होके अपना एक पूरा ओरिएंटेड होके एक चीज पे ओरिएंटेड होके जेई पे या नीट पे ओरिएंटेड होके वो अपनी पढ़ाई करें, क्लास 11 का वो लास्ट के 1-2 महीने पढ़ेंगे और क्लास 11th में छोड़ देंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको स्कूल भी होता है उनका और ऑनलाइन भी होगा उनका, ये कोचिंग वाले हैं उनका भी स्कूल होगा, मान लीजिए कई बच्चे होंगे जो इन कोचिंग में वो भी डमी स्कूल कर रहे हो, बट इन जनरल क्या होता है जो बच्चा जैसे स्कूल वाले जो भी मान लीजिए ये राम है, कोई राम नाम का लड़का है स्कूल में पढ़ रहा है, अब वो राम क्या करेगा, राम भाई इस कोचिंग में भी जाते हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई कोचिंग है,
उस कोचिंग में भी राम जाता है। अब राम ऐसे सोचता है भी मैं स्कूल में क्यों पढ़ूं, मैं तो कोचिंग में पढ़ रहा हूं तो कोचिंग भी फोकस कर लेता हूं। कोई ऐसे सोचेगा मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं कोचिंग में क्यों पढ़ूं, जा दोनों जगह अपना टाइम दोनों जगह लगा रहे हैं बट फोकस एक जगह करना है, फिर ऐसा क्यों, क्यों टाइम वेस्ट खुद का कर रहे हो क्यों दूसरे का कर रहे हो। आप जो भी चीज अगर आप यहाँ पे भी इस कोचिंग में भी तो यहाँ का भी आप डिटेल में पढ़िए, बिल्कुल डिटेल में और फोकस पढ़िए, यहाँ पे भी जो स्कूल में है वो भी फोकस के साथ पढ़िए, क्योंकि जितना आप फोकस रहोगे यहाँ पे जो आपने टॉपिक किया वो टॉपिक जब आप कोचिंग में करोगे तो आप उस टॉपिक में पकड़ बनेंगे और वो पकड़ आपकी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि अगर आपको वो टॉपिक अगर नींद में पूछे ना ये टॉपिक क्या था तो आपको फटाफट से उसका आंसर आना चाहिए। सो इस हाइप को आपको आपके माइंड से निकाल देना है, जो मैंने आज बेसिकली आपके साथ हाइप्स की बात की है, जो बर्बादी के जो साइंस होते हैं उनको रिमूव करना है आपको और एक अनबर्बाद इंसान के रूप में आपको उभर के आना है। और इन अगर आप सभी चीजों को मेंटेन करते हो तो 90 वाला बच्चा वो ऑफकोर्स 95 पे पहुंचेगा बट 80 पे नहीं पहुंचेगा। हो सकता है वो बात लगे उसको सिलेबस एकदम ही चेंज डिफिकल्ट लगे तो वो अलग केस है बट अलग सीनेरी हो जाता है। बट हाँ, अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ऑफकोर्स अपना स्कोर मेंटेन रखेगा, इतना वो अपने मन को कुछ ऐसे वो क्या बोलते हैं गोबर नहीं भरने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट फोकस ये करना है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या कह रहा है और जो आपकी CBSE है या जो आपका JEE या जो नीट है NTA है वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रही है, उस क्वेश्चन के साथ डील करना सीखिए। अगर आपने ये सीख लिया तो आपका स्कोर बिल्कुल मेंटेन रहेगा, आपको स्कोर को कोई हिला नहीं सकता। सो आज की इस वीडियो में जो भी हमने चीजें डिस्कस की वो आपको एक बर्बाद इंसान से अनबर्बाद इंसान बनाने का एक सही रास्ता है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर इनको खुद को इम्प्लीमेंट करेंगे खुद की लाइफ में सो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई भी और भी क्वायरी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यार, आपको डेफिनेटली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेक श्योर आपने बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा हो ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए सी यू यार, बाय बाय, टेक केयर।